हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. आई एम ममता. इन आवर टुडेज इंग्लिश क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट सिंपल टेंस. अब जैसे नाम इंडिकेट करता है, पास्ट है, ठीक है. तो पास्ट भी मेनली फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है. जो पास्ट टेंस है, जो बीते हुए कल की बात करता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल टेंस, past continuous tense, past perfect and past perfect continuous. Today we will discuss about past simple and past continuous tense. ठीक है. तो past simple में जब हम देखते हैं तो mainly आता है कि बीते हुए कल की बात की गई है. But there are some situations जिनमें हमें past simple का use करना होता है. Like to indicate a past action, यानी कि जो बीते हुए कल में जो भी action है related to past, उसको हम इसके थ्रू सेंटेंस बनाते हैं या फिर अपनी बात कहते हैं, जिसमें अपन लिख सकते हैं यस्टरडे है, लास्ट इवनिंग है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंडे है. ठीक है. सो आई हैव रिटन हियर एन एग्जांपल आल्सो. आई बॉट अ न्यू कार लास्ट संडे. ठीक है. सो अगर हम इसके सिंपल सिंटेक्स की बात करें तो आई स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट. और ये जो है लास्ट संडे, या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं लास्ट मंडे, या फिर हम लिखते हैं यस्टरडे, ये हमारे जो भी एडवर्ब से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इंडिकेट करता है. सेकंड आता है पास्ट इन्वेंशन और डिस्कवरीज. जितने भी पास्ट में इन्वेंशंस हो चुके हैं या फिर डिस्कवरीज की जा चुकी हैं, उनके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं. ठीक है. वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस जो है उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था. थर्ड हमारी सिचुएशन आती है एन एक्टिविटी दैट टुक प्लेस रेगुलरली और रिपीटेडली इन पास्ट बट नाउ नो लॉन्गर अकर्स. यानी कि पास्ट में जो भी एक्टिविटी चली है, जो भी एक्शन हुए हैं, अगर वो रिपीटेड वे में, ठीक है, या फिर रेगुलर वे में हुए हैं, तो भी हम उसको पास्ट सिंपल में ही लिखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, पंडित नेहरू पेड अ विजिट टू मनाली एवरी ईयर. ठीक है. पंडित नेहरू के टाइम की बात है कि वो जो है हर साल मनाली जाते थे, यानी रिपीटेड एक्शन था उनका हर साल का. तो इस तरीके की सिचुएशन में भी हम जो है पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. फिर एक है शी लेफ्ट स्लेप्ट फॉर फोर आवर्स. ठीक है. वो चार घंटे सोई, बट नाउ शी इज नॉट स्लीपिंग. तो इस तरीके के जो पास्ट एक्शंस हैं उनको दिखाने के लिए भी हम जो है पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूला की या फिर इसके सिंटेक्स की, दैट हाउ वी राइट सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल टेंस. तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. ठीक है. यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तो आई वेंट टू दिल्ली. मैं दिल्ली गया. ठीक है. अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स हो गया. फिर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट. नेगेटिव में एज एन हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम डिड का यूज करते हैं. डिड के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. याद रखिएगा, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव जब बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज में लेते हैं, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली. ठीक है. तो इस तरीके से मैं दिल्ली जो है वो नहीं गया. अगर यस्टरडे करते कर देते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम भी पता चल जाएगा. देन आपका आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में आप एज एन हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं उसमें डिड पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो यही सेंटेंस हम फिर से लिख सकते हैं. डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे. और जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला जो है वो फॉर्म करते हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए. तो आई के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट. तो ये हमारा बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव. तो फोर फॉर्मूलाज, पहला अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव. डब्ल्यू एच वर्ड का मैं आप
मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है और हम पैसे में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखिए, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए जिस भी टेंस की है वो, फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में आप मेन वर्ब लगाइए और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पांच तरीके के सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, तो यानी कि वो हमें क्या शो कर रहा था, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा था। और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो हमें पास्ट की कंटिन्यूटी, यानी कि कोई भी वर्क चल रहा था वो चल रहा था, कंटिन्यूटीज जो है वो हमें पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो शो करेगा। ठीक है, सो यूजेस देखते हैं। एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में था यानी कि चल रहा था, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कब, वो भी पास्ट में। जैसे कि इट वॉज रेनिंग ऑल द आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। टू सजेस्ट अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन इन पास्ट, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज गेटिंग डार्क, धीरे धीरे जो है वो अंधेरा जो है वो हो रहा था। प्लस आप पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल टेंस को भी जो है कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये काम कर रहा था तब ये हुआ, ये बात कहने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। और उसमें भी कनेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो एज है, व्हेन है, व्हाइल है, इनका यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मैं एक खत लिख रहा था। व्हेन शी केम इनसाइड द हाउस, जब वो घर के अंदर आई, यानी कि दोनों काम जो हैं वो क्या हुए हैं, ऑन द सेम टाइम हुए हैं। ठीक है, जब वो घर के अंदर आई मैं एक लेटर लिख रहा था। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल को लिंक करके जो सेंटेंस है वो बनाते हैं और उसमें हमें ये एज अ कंजक्शन वर्ड जो है वो काम में आते हैं। फिर आता है पैरेलल एक्शन। पैरेलल का मतलब व्हेन आई वॉज राइटिंग शी वॉज कुकिंग इन द किचन, यानी कि जब मैं लिख रहा था तो वो क्या कर रही थी, उससे टाइम पे पैरेलल में जो है वो कुक कर रही थी। ठीक है, फिर आता है रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन यानी कि ऑलवेज हम यूज करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, लेकिन जब पास्ट में कोई रिपीट एक्शन चल रहा है तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो रिपीटेड एक्शन जो कि पास्ट में चल रहे हैं उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो अब अगर अपन सिंटेक्स की बात करते हैं या फिर इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो देखो कैसे बनते हैं। सिंपल है जो कि हमने प्रेजेंट में बनाया था उसी वे में चलता है, बट इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहेगी वो क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वॉज आता है, वर आता है, वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज आता है आपका सिंगुलर नाउन के साथ में, ही शी इट और किसी के नेम के साथ में, और वर आपका आता है प्यूरल के साथ में। ठीक है, और जैसे कि लिखते हैं आई वी यू दे, ये तो कॉमन है, और जो भी प्यूरल में आते हैं एक से ज्यादा चीजों की बात होती है तो वर का यूज होता है। तो सेंटेंस बना लेते हैं आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो सिंपल है, सेम लिखना है, बस वर्ब के बाद में हमें नॉट का यूज करना है, बाकी पूरा सिंटेक्स सेम रहेगा। तो इसे में ही हम कर लेते हैं आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यही हमें इंटरोगेटिव बनाने हैं, तो वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज के साथ में मैंने आई का ही यूज किया है, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट एर, ये मेरा क्वेश्चन मार्क। तो वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख रहा था। तो इस तरीके से ये फोर वेज हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं,
सिंटेक्स बनाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं, और अगर WH में बनेगा तो WH, फिर आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव में बनाना है तो नॉट, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में ING, क्योंकि हम इसी का बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह वॉज वर्ब कंप्लीट होता है। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।